आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलिशियस सी ब्रेड पुडिंग, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। एकदम जिगली सी पुडिंग हम विदाउट ओवन बहुत ही आसानी के साथ एक कढ़ाई में बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी, साथ ही इसमें ऐड करेंगे वाटर 1/8 कप, यानी कि 1/4 कप का हाफ होगा। और अब लो फ्लेम पे हम चीनी और पानी को पकाएंगे। अच्छे से चीनी को मेल्ट होने देंगे। हमें यहाँ पे चीनी को अच्छे से कैरेमल होने देना है। चीनी मेल्ट होने के बाद ना ब्राउन होने स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होगी, इसको हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे। यहाँ पे डिलिशियस कैरेमल जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हम फटाफट से एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल 6 इंचेस के एक राउंड बेकिंग पैन में निकाल रही हूँ। ये इतना गर्म होता है ना, कैरेमल को हमें टच नहीं करना। अच्छे से इसको इस तरह फैला देंगे और पैन जो है वो फुल गर्म हो चुका है कैरेमल के गर्म होने की वजह से। थोड़ी देर में इस तरीके से सेट हो जाएगा। इस तरह से हम कैरेमल को पैन में सेट करके एक तरफ रखेंगे। अब हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ पे मैं सिंपल स्वीट मिल्क की ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। उसको चंक्स में इस तरीके से कट कर लेंगे। ब्रेड को कट करके निकालेंगे एक बर्तन में। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध। और एक फोर्क की मदद से इसको इस तरीके से थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब मैं एक बोल में ऐड करेंगे 3 अंडे और इसको ऐड करेंगे ब्रेड में। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। और अब हम इसको ब्लेंडर में ऐड करना है और सिंपली ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। अब पैन के ऊपर इस तरीके से एक छन्ना रखेंगे और इस तरीके से मिक्सचर को छानते हुए इसमें ऐड कर लेंगे ताकि पुडिंग जो है वो एकदम स्मूथ हो। तमाम मिक्सचर ऐड कर लेंगे। अब ना हम इसको अल्मीनियम फॉइल की मदद से ऊपर से अच्छे से कवर कर लेंगे। अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो इसको बेक करने के लिए हम एक कढ़ाई में इस तरीके से छोटी सी प्लेट रखेंगे, इसमें बेकिंग पैन रखेंगे, इसमें ऐड करेंगे पानी इस तरह 2 कप। और इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। तो 45 मिनट्स में बहुत ही डिलिशियस सी पुडिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह चेक कर लेंगे नाइफ की मदद से। और पुडिंग को बिल्कुल चिल्ड करके यानी कि ठंडा करके सर्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिलिशियस और टेस्टी लगेगी। अच्छे से जब पुडिंग ठंडी हो जाएगी तो इस तरीके से हम नाइफ की मदद से पुडिंग को अलहदा कर लेंगे पैन से। और डिलिशियस ही पुडिंग को इस तरीके से स्लाइस में कट करके सर्व करेंगे। तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस ही ब्रेड पुडिंग। खाने में इसका फ्लेवर बहुत ही यम्मी होता है। देखिए कितनी जिगली और सॉफ्ट बन के रेडी हुई है, एकदम जेली जैसी। काफ़ी स्मूथ टेक्सचर है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।